बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम हो गया आप सभी के अंदर वीडियो में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे फेसबुक मार्केटिंग करते कैसे हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। वैसे मुझे पता है आप लोगों की बहुत ज्यादा मुझे क्वारीज आती हैं कि भाई मैं फेसबुक पे मार्केटिंग करता हूँ, मैंने पैसा इतना लगा दिया है लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, मुझे सेल्स नहीं आ रही। तो डोंट वरी, टेंशन ना लो, सारी स्ट्रेटेजी सारे खुफिया चीजें आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे आपने इंप्लीमेंट करनी है, कैसे सेल्स आएंगी, कैसे आप लोगों ने रिजल्ट लेकर आने हैं। फर्क नहीं पड़ता आप लोग पाकिस्तान में बैठे हो, इंडिया में बैठे हो या किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपने किसी भी मुल्क में मार्केटिंग करनी है तो आप लोग इस लेक्चर को देखकर इजीली कर सकते हो, क्योंकि हमारा आपको पता है इंटरनेशनल का कोर्स चल रहा है शॉपिफाई। इधर मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूँ, शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स 2024 के नाम से है, प्लेलिस्ट में जाना आपको इजिली मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। भाई आपका स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा है कि कैसे आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया हुआ चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है हमारा इससे अगला लेक्चर जो होने वाला है वो है 24 आवर शॉपिफाई चैलेंज इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से। सो काफी मजा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हम लोग देख लेते हैं कि किन किन चीजों की हमें जरूरत है अगर हमने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है। अच्छा, इधर पहले नंबर पे आपके पास एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए, आपकी फेसबुक प्रोफाइल। अब हर बंदे की फेसबुक आईडी होती है, अच्छा अब आप लोग उसको यूज कर सकते हो, आपकी पर्सनल भी है, कोई मसला नहीं है। आगे चलकर आपको ये ना सोचो कि मैं मार्केटिंग करूंगा मेरी प्रोफाइल जो होगी तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो अपने ब्रांड नेम के साथ या अपने नाम पे या कुछ भी आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेज के सेक्शन में जाना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, फेसबुक पेज क्रिएट हो जाना है। इधर आपको एक छोटी सी मैं टिप देता चलता हूँ जिससे आपका फेसबुक पेज जो है वो बैन नहीं होगा, वो आपका 100% सिक्योर रहेगा। आपने जब भी पेज क्रिएट करना है आपने उसकी सारी की सारी जो है अबाउट सेक्शन में जाके सारे का सारा डाटा फिल करना है। सेकंड नंबर पे अपनी प्रोफाइल लगानी है, उसके बाद अपना बैनर लगाना है अच्छे से, उसके ऊपर आपने डेली बेसिस पे 2-3-4 पोस्टें करनी है। अब इधर कुछ लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं डेली बेसिस पे कोई 50-100 पोस्टें कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मैं जितनी ज्यादा पोस्टिंग करूंगा उतनी ज्यादा मेरी अकाउंट की रीच बढ़ेगी, तो इस तरह का सीन नहीं है। आप लोगों ने अपने हिसाब से थोड़े तरीके से चलना है, डेली की 4-5 पोस्टें करो और अपने अकाउंट को थोड़ा सा फेसबुक पेज को ऑथेंटिक बनाओ ताकि फेसबुक की नजर में ये ना लगे कि बंदा कोई 2 नंबर ही कर रहा है, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो वो आपका जो फेसबुक पेज है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बैन कर देगा। अच्छा, ये चीज होगी। उसके बाद आप लोगों ने एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना होता है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को हम लोग न्यू इंटरफेस में भी कहते हैं मेटा बिजनेस सूट या सूट, कुछ लोग अपने हिसाब से आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हो। अच्छा, वो लाजमी बनाना है, क्यों? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं। आगे चल के मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कैसे बनाते हैं, कैसे इंटरफेस होता है, क्या क्या चीजें हैं। उसमें कुछ चीजों को आपको वेरीफाई करना पड़ता है, जैसे डोमेन वेरिफिकेशन होगी, पिक्सल बनाना है और काफी सारी चीजें, इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है, फेसबुक पेज कनेक्ट करना है और सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। अच्छा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना लिया, उसके बाद उस फेसबुक बिजनेस मैनेजर में आप एक एड अकाउंट क्रिएट करते हो। उस एड अकाउंट को जब आप क्रिएट कर लोगे ना उस पर आप लोग अपनी एड रन करोगे। अच्छा, इधर काफी सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई हम डायरेक्टली एड अकाउंट क्यों नहीं बना रहे, हमें ये पीछे फेसबुक प्रोफाइल पहले हमने बनाई, उसके बाद हमने फेसबुक पेज बनाया, फिर हमने एड अकाउंट बनाया, फिर हम जाके एड चला रहे हैं, तो ये क्या तरीकाकार है? तो देखो, आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, एक तरीकाकार होता है, अगर आप उसको चलोगे लेकर तो ये एक प्रोफेशनल वे है। वैसे आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में देखोगे डायरेक्टली आपको एक एड अकाउंट मिल जाता है, लेकिन वो मतलब कि उसमें ज्यादा आपको फ्रीडम नहीं है, ज्यादा टारगेटिंग नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से एड नहीं चला सकते, तो इसके लिए आपको एक तरीके के साथ चलना पड़ता है। तो ये चीज है। अब चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, उधर मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या क्या है, कैसे बनानी है, क्या मामला होते हैं। तो चलते हैं फिर लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी लैपटॉप स्क्रीन आ चुकी है। इधर सबसे पहले ये मैंने अपना फेसबुक पेज एक अदद क्रिएट किया है न्यू फ्रेश, क्योंकि आपको पता है हमारा इंटरनेशनल का कोर्स चल है, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे पेजेस हैं बट आप लोगों को सिखाने के पर्पज से मैं ये आपको शो कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर, और आप लोग भी कर सकते हो, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप इधर आओगे, इधर आप लोगों ने अपने अबाउट सेक्शन में जाना है, इधर आपने अपनी सारी की सारी अबाउट में जाके डिटेल्स फिल करनी है, अभी मैं आपको शो नहीं करवा सकता। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने इधर ये चेक करें मैंने जैसे प्रोफाइल लगाई हुई है, उसके बाद चेक करें मैंने बैनर लगाया हुआ है। अब बैनर पे इधर आप एक चीज देख रहे होंगे कि बुक योर सेशन, और नीचे ये एक वेबसाइट जो हो रही है, ये हमारी ही वेबसाइट आप लोगों को पता है meetusama.com। अगर आपने अपना सेशन बुक करना है मेरे साथ, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है या आप कुछ सीखना चाह रहे हो प्रैक्टिकली 1-on-1 जूम मीटिंग के थ्रू, तो देन आप मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो। अच्छा, तो आप लोगों ने सिंपली से meetusama.com पे आ जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ये इसका होम पेज है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे सिंपल से और इधर आपको पहले नंबर पे कॉन्टेक्ट अस का बटन मिलेगा, इस पर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो डायरेक्टली हमारी व्हाट्सएप पे वो चला जाएगा
क्योंकि हमारे टीम मेंबर जो हैं व्हाट्सएप हैंडल करते हैं, आपकी कोई भी क्वारी है तो आप उनसे जाके डिस्कस कर सकते हो। नीचे वॉच वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप इधर से वीडियो भी देख सकते हो। अगर किसी को नहीं समझ आ रही कि हमारी वेबसाइट पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कैसे अवेल करनी है, तो सारी चीज़ें इसमें मैंने डिटेल से बता दी हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे आवर सर्विसेज आएंगी, इधर हम तीन सर्विसेज अभी लगाई हुई हैं मैंने, लाइव कंसल्टेशन का, शॉप का और लाइव मेंटोरशिप का। ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले नंबर पे आते हैं लाइव कंसल्टेशन के ऊपर। आप लोग जैसे इसको ओपन करोगे, नेक्स्ट ये पेज आपके सामने आ जाएगा अपॉइंटमेंट का। इधर आप लोगों ने अपना फॉर्म फिल करना है, अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर, सिटी, एड्रेस, पर्पस बताना है मीटिंग का कि किस पर्पस से आप मीटिंग फिक्स कर रहे हो मेरे साथ। और सेकंड नंबर पे आपने इधर से ड्यूरेशन सेट करनी है, लेट्स से कि आप 30 मिनट की ड्यूरेशन सेट करना चाह रहे हो सेशन की, या 1 घंटे की करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आपको प्राइस जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद डेट आपने इधर से सेट करनी है, जो भी आप डेट सेट करोगे। उसके बाद आपने इधर से टाइम सेट करना है, शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपका भाई अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम पर मीटिंग फिक्स कर सकते हो। और उसके बाद आपने इधर अपलोड करना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। नीचे आपको पेमेंट डिटेल शो हो रही है सारी की सारी, ये बाइनांस है, बिटकॉइन है और BNB, ये सारे वॉलेट्स आपको शो हो रहे हैं। उसके अलावा लोकल बैंक्स है, मिजान बैंक है, इजी पैसा, जैज कैश है, आप किसी के भी थ्रू पेमेंट डन कर सकते हो। और लास्ट पे आपको इधर हमारा व्हाट्सअप और ईमेल मिल जाएगी, और सबमिट पे क्लिक करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फिक्स करवा सकते हो। इसका मेन मकसद ये है कि लेट से आपने कोई भी चीज़ पूछनी है, या कोई भी चीज़ आपने सीखनी है ना, या आपकी कोई भी क्वारी है, आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो रही है, आप इधर से मेरे साथ मीटिंग फिक्स करके वो चीज़ें जो है वो क्लियर आउट कर सकते हो। मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो सेशन में क्लियर कर दूंगा। सेकंड नंबर पे कोई बंदा ऐसा आता है, वो बोलता है कि भाई मेरा कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है, मैं चाह रहा हूँ आप उसको हैंडल करें, तो आप मेरे साथ इधर अपॉइंटमेंट फिक्स करके सारी चीज़ें जो है मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। लेट्स से अगर कोई बंदा आता है कि वो मैं चाह रहा हूँ आगे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरा कोई बैच है, मैं उनको सेशन दे रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको मतलब के सिखाओ, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो ये पहली चीज़ होगी। अब मैं दोबारा से चलता हूँ, इधर अगर आप मेन्यू पे भी क्लिक करोगे आपको ऊपर हमारा मेन्यू शो हो जाएगा। आवर सर्विसेज पे आपने दोबारा से क्लिक करके चले जाना है। ये हमारा सर्विस वाला पेज खुल गया है दोबारा से। सेकेंड नंबर पे आता है शॉप। अभी हमारी शॉप जो है वो हमने लॉन्च नहीं की, इंशाल्लाह कमिंग सून है, जैसे रिलीज होती है आपको मैं अपडेट कर दूंगा। दोबारा से आप लोगों ने आवर सर्विसेज में आ जाना है। और थर्ड हमारा जो है वो लाइव मेंटोरशिप का है। अब लाइव मेंटोरशिप में और लाइव कंसल्टेशन में फ़र्क क्या है? लाइव कंसल्टेशन का मतलब यह है कि आप 1-on-1 जस्ट हमसे थोरेटिकली कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, सीखनी है, वो मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन अगर कोई बंदा लेट से बोल रहा है कि मैंने यार स्टोर की डिजाइनिंग जो है वो प्रैक्टिकली 1-on-1 जूम मीटिंग पे आपसे सीखनी है प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसी क्वेरीज आती हैं, भाई आप अपना फिजिकल एड्रेस बताओ, फिजिकली बताओ आप किधर हो, मैंने आपसे आगे फिजिकली सीखना है। तो देखो, फिजिकली अभी भाई के पास इस तरह का सेटअप नहीं है कि मैं आपको फिजिकली क्लासेस दूं। उसके लिए मैंने ये वेबसाइट इसीलिए रिलीज की है, इसीलिए लॉन्च की है, ताकि आपको मैं लाइव 1-on-1 मेंटोरशिप दे सकूं जूम मीटिंग के थ्रू। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने डिजाइनिंग सीखनी है, मार्केटिंग सीखनी है, फेसबुक, टिकटॉक, जो भी आपने सीखना है प्रैक्टिकली, तो देन आपके साथ मैं लाइव 1-on-1 सेशन बुक करके आपको जूम मीटिंग के थ्रू वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपको सिंपल। तो उसके जो भी चार्जेस होंगे आप इस पे जाकर देख सकते हो, सारा का सारा फॉर्म शो हो जाएगा, सारी डिटेल्स हो जाएंगी, आप उससे जाके सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। और नीचे लास्ट पे आप लोग हमारे सारे के सारे लिंक्स देख सकते हो, कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हैं, और वेबसाइट से रिलेटेड या आपकी कोई भी हमारी सर्विस से रिलेटेड क्वायरी है तो आपने सिंपल क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करके, टीम बैठी हुई है पीछे व्हाट्सएप पे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज हो गया। फेसबुक पेज के बाद आप लोग ने इधर जाना है मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, इधर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा मेटा बिजनेस सूट का। अब ये इसको हम न्यू इंटरफेस कहते हैं। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना चीजों को लेकर, बस आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है कि इनका काम क्या है, पर्पस क्या है। अच्छा, इधर सबसे पहले आप लोगों ने ड्रॉप डाउन करना है। इधर आप लोगों को नीचे बिजनेस पोर्टफोलियो शो हो रहे होंगे। अभी मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, आप लोगों को इधर कुछ भी नहीं शो होगा जब आप नया क्रिएट करोगे। आपने इधर क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करके अपना पोर्टफोलियो एक बना लेना है लाजमी से। इधर आपने अपना पोर्टफोलियो का नाम देना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी देके क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इधर बना के रखा हुआ है, मैं आप लोगों को अभी शो करवाता हूँ। ये चेक करें, मेरा ये बिजनेस एसेट एक बना हुआ है मीट उसामा के नाम से, और ये मेरा फेसबुक पेज है जो मैंने आपको पीछे दिखाया, मीट उसामा के नाम से ही मैंने ये फेसबुक पेज क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, इस तरीके से आप लोगों ने जब बना लिया, उसके बाद आप लोगों ने करना है सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। अभी आप लोग इधर देखो हमारा बिजनेस सेटिंग खुल गई है। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड इंटरफेस, और पीछे जो आप लोगों ने ये चेक किया था मेटा बिजनेस सूट, इसको हम न्यू इंटरफेस भी कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। आप लोग देखो, इसमें भी सेम वही चीजें हैं, इसमें भी सेम वही चीजें हैं, बट ये ओल्ड इंटरफेस है और ये न्यू इंटरफेस है। अच्छा, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को मिक्सअप नहीं करना, मैं आपको समझा देता हूँ आप लोगों ने नेक्स्ट काम कैसे करना है। आपने इधर आ जाना है मेटा बिजनेस सेटिंग के ऊपर।
अब नीचे आप लोग देखो इधर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग का माइंड क्लियर हो जाए। पहला पीपल है, पार्टनर है, सिस्टम यूजर है। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ पीछे। अब पीपल का काम क्या है, लेट्स से कि आपने किसी को किसी एड अकाउंट की या आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की या किसी भी चीज की एक्सेस देनी है, तो आप लोग इधर पीपल में आओगे, इनवाइट पीपल के ऊपर क्लिक करोगे और उसके बाद आप लोग उसकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करके उसको एक्सेस जो है वो भेज दोगे, इनविटेशन भेज दोगे। उससे क्या होगा कि उस बंदे को उतनी एक्सेस मिल जाएगी जितनी आप लोग देना चाह रहे हो। सो इधर ये चेक करो, इनवाइट पीपल का ऑप्शन आ गया है। अब ये कह रहा है अपनी ईमेल दो जिसको भी आप इनवाइट करना चाह रहे हो। इधर हम अपनी ईमेल देंगे जिसको भी आपने इनवाइट करना होगा। उसके बाद ऑप्शन सेट करके आगे स्टेप नेक्स्ट करते जाओगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा किस किस चीज की आपने उसको एक्सेस देनी है, तो आप अपनी मर्जी सेलेक्ट करोगे, उसके बाद उसको इन्विटेशन चला जाएगा। ओके इसके अलावा ये पार्टनर्स है, पार्टनर्स का मतलब ये है कि लेट से कि आपकी कोई भी एजेंसी है, आप किसी बंदे को हायर कर रहे हो जो कि मतलब कि आगे आपका अकाउंट जो है वो हैंडल करेगा। अच्छा अब हो सकता है कि उस एजेंसी ने आगे काफी ज्यादा बंदे रखे हों, उसने जो है आगे एडिटर अलहदा रखा हुआ है, उसके बाद उसने क्या है ग्राफिक डिजाइनर अलहदा रखा हुआ है, तो आपको अकेले अकेले बंदे को एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, पार्टनर्स में आके सिर्फ उस बंदे को एक्सेस दे दोगे जो कि मेन बंदा है, जो कि एजेंसी रन कर रहा है। आगे उसकी मर्जी है, वो अपने हिसाब से आगे उसने जितने भी टीम मेंबर रखे हुए हैं उनको अपने हिसाब से वो एक्सेस देता जाएगा। तो ये पार्टनर्स हैं, इस पे आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है। अच्छा जल्दी जल्दी इसको मैं कवर करता हूँ, ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर करना है, चीजों को देखना है कि किस फंक्शन का क्या काम है। जिस चीज की समझ ना लगे आप लोग नीचे कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अच्छा ये पेजेस है, आप लोगों ने पेजेस पे आना है अपना। आप लोगों ने जो फेसबुक पेज ये वाला हम लोगों ने क्रिएट किया था ना, इस पेज को आप लोगों ने इधर आके कनेक्ट कर लेना है। अब कनेक्ट करने का तरीका क्या होता है, आपको इधर ऐड का एक ऑप्शन मिलेगा, ऑलरेडी मैंने अपना इधर ऐड करके रखा हुआ है, इस वजह से ये आपको मी टू सामा शो करवा रहा है। अच्छा अब आप लोग ने ऐड कैसे करना है, इधर आप लोग एक बटन शो होगा दरमियान में ऐड का, अगर आपको इधर नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ऐड कर लिया, इस वजह से मुझे ऊपर शो हो रहा है। आपने ऐड के ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करके अपना जो ऐड अकाउंट होगा ना आप लोग ने, ये फेसबुक पेज, इसको आप लोग ने इधर ऐड कर लेना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा, आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, डेटा सोर्सेज का। आपने इस पे आना है, इधर आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्सेल का, आप लोगों ने पिक्सेल कनेक्ट करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ पिक्सेल कैसे आपने कनेक्ट करना है। पिक्सेल क्योंकि कनेक्ट करने से पहले आपको डोमेन वेरिफिकेशन करना पड़ती है। अब इधर ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी में अगर नीचे आओगे ना, ये डोमेन्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले आपने अपनी डोमेन वेरीफाई करनी है, फिर आप लोग पिक्सेल कनेक्ट करोगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा डोमेन्स के ऊपर क्लिक करना है। इधर मेरे पास काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई डोमेन क्या हमें फेसबुक के लिए अलहदा खरीदनी पड़ती है, क्या तरीकाकार होता है? भाई अलहदा नहीं खरीदनी है आपने, जो आप लोग ऑलरेडी अपने जो आपने ये अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ना शॉपिफाई का, जिसके साथ आप लोगों ने अपनी डोमेन लगाई हुई है, जो भी आपके स्टोर की डोमेन है, लेट से जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी जो डोमेन है वो इम्तियाज एमरेट डॉट कॉम है, ये वाली डोमेन है, तो आप लोग उसी डोमेन को यूज करना, आप लोग को सेपरेट डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इधर मैं आप लोगों को अभी वेरीफाई करके भी अपनी डोमेन दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट न्यू डोमेन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इधर आप लोगों ने अपनी डोमेन का नाम डालना है, इधर आप लोगों ने मेक श्योर करना है HTTP या HTTPS नहीं लिखना, ना ही आप लोगों ने WWW लिखना है शुरू पे जैसा कि आता है। हम लोग क्या करेंगे, अपनी डोमेन को इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इधर से मैं चलता हूँ दोबारा वापिस, इधर योर डोमेन पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इधर से लास्ट से ये भी मैं खत्म कर दूंगा, और शुरू से ये जो दो मतलब कि है ना WWW और HTTPS सबको मैं इसको हटा दूंगा। सिंपल से आप लोगों ने इस तरीके से अपनी डोमेन एंटर करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी मैंने क्लिक किया, ऊपर देखो इम्तियाज एमरेट डॉट कॉम आ गया, लेकिन अभी नॉट वेरीफाइड है। अभी इसको मैं वेरीफाई करना सिखाता हूँ आपको कैसे करना है। आपने इधर सिलेक्ट कह रहा है ऑप्शन सेलेक्ट करो, इधर से ड्रॉप डाउन करोगे तीन ऑप्शन खुलेंगे, आप लोग किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए जो ईजी है जो मैं यूज करता हूँ वो है DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड का। इसको आप लोग ने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे ऑप्शन मिलेगा गो टू द डोमेन रजिस्टर, वो कह रहा है आप उधर जाओ जिधर से आप लोगों ने डोमेन अपनी बाय की हुई है। तो हम लोगों ने अपनी डोमेन बाय की हुई है नेमचीप से, आप लोग इधर नीचे देखो इम्तियाज एमरेट डॉट कॉम, ये मेरी डोमेन पड़ी हुई है। अच्छा मैं वापस आता हूँ, अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है कि आप लोग टेक्स्ट रिकॉर्ड एड करो अपने DNS कन्फिग्रेशन में जाकर, वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। और इधर आपको बता रहा है कि @ सिंबल आप लोगों ने यूज करना है टेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद। इसके ऊपर आप लोग अगर होवर करोगे ना, इधर कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक भी करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। देखो आप, मैंने क्लिक किया कॉपी हो गया। अच्छा कॉपी करने के बाद आप लोगों ने आना है अपने जिधर से भी आपने डोमेन खरीदी हुई है, नेमचीप से खरीदी है, गोडैडी से खरीदी है, फर्क नहीं पड़ता, जिधर से भी खरीदी है ना आपने DNS सेटिंग में चले जाना है अपने। इधर मैं क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन पे, मैनेज पे मैं जाता हूँ, और इधर से हम लोग एडवांस DNS पे मैं क्लिक करूंगा। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ और इधर मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा। इधर से हमें वो बोल रहा था TXT रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, तो हम TXT रिकॉर्ड ऐड करेंगे। उसके बाद होस्ट में उसने बोला था आपने @ डालना है, उसके बाद वैल्यू उसने हमें दी हुई थी जो मैंने कॉपी की थी उसको मैं
पेस्ट कर देता हूँ इधर। उसके बाद आप लोगों ने इधर से सिर्फ टिक पे क्लिक करना है और ये अपना रिकॉर्ड ऐड कर देना है। मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर मैं आता हूँ वापस, ये चेक करो उसने क्या बोला है, हमें TXT रिकॉर्ड ऐड करो। मैंने क्या किया, इधर से TXT रिकॉर्ड डाल दिया। उसके बाद उसने बोला कि इधर से एट द रेट सिंबल डालो, मैंने क्या किया, इधर आके एट द रेट डाल दिया होस्ट के अंदर। उसके बाद उसने क्या बोला, ये वैल्यू आपने देनी है, इसको मैं इधर से क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया था और इधर आकर मैंने ये वैल्यू में पुट कर दी। उसके बाद मैंने सेव कर दिया, ये चीजें सेव होगी। उसके बाद आपने इधर वापस आना है, वापस आने के बाद आप लोगों ने इसको वेरीफाइड डोमेन के ऊपर क्लिक करना है सिंपल से। अब जैसे क्लिक करोगे हो सकता है कि आपको ये बोले कि DNS टेक्स्ट रिकॉर्ड मिस मैच है, इस तरह कोई मामला आता है। आपने एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना है, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं एक बार पेज को आपके सामने रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दोबारा से इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। देखो अनकट है, कोई कट नहीं लगाया आपके भाई ने। दोबारा से आपने इसको ड्रॉप डाउन करना है, इधर से TXT रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और वेरीफाइड डोमेन के ऊपर क्लिक कर देना है और ये चेक करें, इम्तियाज एमरेट जो हैज बीन वेरीफाइड। इसको मैं डन करता हूँ, ऊपर वेरीफाइड लिखा आ गया है, हमारी डोमेन वेरिफिकेशन हो गई है। आपने डोमेन वेरिफिकेशन इस तरीके से कर लेनी है, किसी चीज की समझ ना आए आप दोबारा से मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद आपने इधर आना है डेटा सोर्सेज के अंदर। अब हम अपना पिक्सल कनेक्ट करने वाले हैं। जो लोग पीछे हमारा टिकटॉक वाला लेक्चर अटेंड करके हैं उनको पता होगा कि पिक्सल क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को बताया है पीछे, और अभी भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पिक्सल का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एक ऐसी चीज अटैच करो जिससे क्या होगा कि आप अपने कस्टमर को ट्रैक करोगे। पिक्सल आपके कस्टमर की एक्टिविटी को ट्रैक करता है, वो देखता है कि आपका कस्टमर किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, क्या कर रहा है, किधर क्लिक कर रहा है, खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा, तो ये सारी चीजें वो ट्रैक करता है। इससे आपकी सेल्स को बूस्ट मिलता है और इससे आपको काफी ज्यादा अच्छा आगे चलकर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे जैसे आपका पिक्सल मेच्योर होता जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, आप पिक्सल को इंस्टॉल करके इसको लाजमी से यूज करो। अगर नहीं करोगे, कुछ लोग ये पूछेंगे भाई अगर मैं ना करूं तो क्या होगा, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बगैर पिक्सल के भी ऐड चला सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप पिक्सल यूज करो, इसका आगे चलकर लॉन्ग टर्म में आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप पिक्सल के ऊपर इधर क्लिक करते हो ना, तो इधर आपको ये चेक करें, कह रहा है मी टू समा पिक्सल है न्यू लोकेशन। अब ये कह रहे हैं कि आप लोग जो लोकेशन हम लोगों ने ना चेंज कर दी है पिक्सल की, पहले आप लोग क्या करते थे, इधर आप क्लिक करते थे आपका पिक्सल बन जाता था। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, थोड़ा सा ना चीजों को चेंज किया है। आप लोग डेटा सेट वाले सेक्शन में जाओ, उधर आप लोगों को देखने को चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, आप लोगों ने चीजों को ना घबराना नहीं है, फेसबुक ना आए दिन अपडेट करता रहता है, कुछ ना कुछ आगे चीजें पीछे करता रहता है। अगर कोई चीज आप लोगों को अपनी जगह पे नहीं देखने को मिल रही तो आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ऊपर नीचे देखो, आपको लाजमी से मिल जाएगी। अच्छा, अब ये उसने मुझे बता भी दिया है कि डाटा सेट में जाओ, उधर से जाके फेसबुक पिक्सल बना लो। तो हम इधर नीचे डाटा सेट पे क्लिक करते हैं और इधर ये चेक करो, ऐड का ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो मैं क्या करूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ इधर से, और उसके बाद आपसे पूछा है कि नेम दिस डाटा सेट, आप लोग अपने पिक्सल का या डाटा सेट का कुछ नाम रख लो। तो मैं नाम रख देता हूँ मीट उसामा पिक्सल। इस तरीके से आप लोग अपने कोई भी नाम रख सकते हो, यार इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अच्छा, ऐड करने के बाद आपके सामने ये विंडो आएगी, इधर आप लोगों ने क्या करना है, पीपल्स में आना है सबसे पहले। पीपल्स में आने के बाद असाइन पीपल के ऊपर क्लिक करके अपने आप को असाइन कर लेना है। आप जिसको भी असाइन करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। मैं इधर से क्लिक करूंगा, इधर से मैं उस समय इम्तियाज को सेट करता हूँ, इसको मैं दोनों को फुल कंट्रोल देकर असाइन कर लूंगा अपने आप को, ताकि ये चीज डन हो जाए। इसको मैं डन पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा ओके हो गया। अब आपने ओपन इन इवेंट्स मैनेजर के ऊपर चले जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट, इस तरीके से आपके सामने विंडो आ जाएगी। अगेन से आप लोगों ने अपना पिक्सल इधर से सिलेक्ट करना है। ओवरव्यू में आप लोगों ने इधर से नीचे स्क्रॉल करना है, इधर आपको सेटअप मेटा पिक्सल का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेटअप कर लेना है। अब आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो कोड के जरिए, अदरवाइज आप एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो, तो आप लोग की मर्जी है, जो मर्जी आप लोग कर लो। इधर मैं एप्लीकेशन के थ्रू आपको करके दिखा देता हूँ। चेक फॉर पार्टनर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, इधर सारे के सारे पार्टनर शो हो जाएंगे। आप किसी के साथ भी जाना चाह रहे हो आप लोग जा सकते हो। अभी के लिए मैं शॉपिफाई को आप लोग सिखा रहा हूँ, तो आप शॉपिफाई पे क्लिक करोगे इधर से, उसके बाद गो टू शॉपिफाई पे आपने क्लिक करना है और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। हम इधर से अपने स्टोर को सिलेक्ट करते हैं इम्तियाज एमरेट वाले को, और ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के ऊपर। ये चेक करो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन, ये कह रहे हैं इंस्टॉल करो। हम इंस्टॉल के ऊपर इधर क्लिक करते हैं जल्दी के साथ, और अब आपसे ये तीन स्टेप करने को बोलेगा। पहला है फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करने को, तो हम इधर कनेक्ट फेसबुक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे और मेक श्योर करना है कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है वो लॉगिन हो। तो आप लोग ने इधर से कंटिन्यू कर लेना अपने अकाउंट के साथ। ओके, हमारा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप है बिजनेस पोर्टफोलियो का, तो आप लोग ने जितने भी बिजनेस पोर्टफोलियो बना के रखे होंगे ना उस अकाउंट के साथ, आपके नीचे इधर शो हो जाएंगे। तो हमने बनाया था मीटू सामा वाला, जो मैंने आप लोगों को पीछे शो भी करवाया। आपने इधर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके उसको कर लेना है कनेक्ट। अच्छा, उसके बाद ये चूज प्रेफरेंस पूछेगा, तो इधर से आप लोगों ने मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने इधर से सेव कर लेना है।
अच्छा अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, इधर से आपका पिक्सल पुश है, आप लोग ने जो पिक्सल बनाया होगा ना, हम लोगों ने मीट उसामा पिक्सल नाम रखा था, आप लोगों ने उसको इधर से कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एग्री करना है इनके टर्म्स एंड कंडीशन को, सबमिट फॉर रिव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अभी ये चेक करो फाइनलाइज कर रहा है चैनल के सेटअप को, अभी ये जो है लोडिंग हो रही है इसको कंप्लीट होने देते हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ओके तो लोडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, जैसे हमारा सेटअप जो है वो सारा का सारा डन हो चुका है। अब आपने दोबारा से वापस आ जाना है इसी पेज के ऊपर, इधर से आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब ये आपसे वेरीफाई कनेक्शन करने का बोल रहा है, इधर आप लोगों को बोल रहा है कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, उसको एक बार वेरीफाई कर लो कि आपके जो इवेंट्स हैं वो सही से ट्रैक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो इधर मैं अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ वापिस, और इसका यूआरएल हम लोग इधर से दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इधर मैं दोबारा आकर पेस्ट करता हूँ और सेंड टेस्ट ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी इसने मुझे रीडायरेक्ट किया है मेरी वेबसाइट के ऊपर, अभी हमारी वेबसाइट जो है वो रेडी होने वाली है। जस्ट इसको मैंने थोड़ा सा ढांचा इसका खड़ा किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी नेक्स्ट वीडियो 24 आवर्स चैलेंज पे होने वाली है, तो हम लोग चैलेंज करेंगे, उसमें मैं आपको डिजाइन करके प्रॉपर आगे सेल्स लागे दिखाने वाला हूँ। अच्छा इसको मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा बहुत स्क्रोलिंग वगैरह कर लेता हूँ इस तरीके से, और इधर से कुछ भी हम लोग रैंडम कोई भी एक कलेक्शन खोल लेते हैं, और कुछ भी आप लोगों ने इस तरीके से ना थोड़ी सी टेस्टिंग वगैरह कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने वापस आना इधर, और ये चेक करें एक्टिव लिखा हुआ आ गया है, इसको आप लोगों ने सिंपल से इधर से नेक्स्ट कर लेना है। इसको आप लास्ट कंफर्मेशन स्टेप पे आपको ले जाएगा, इधर आपको कह रहा है टेस्ट इवेंट इन इवेंट्स मैनेजर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अभी इसने मुझे इस पेज के ऊपर लिया है, अब ये मुझे इवेंट्स को ना थोड़ा सा टेस्टिंग करने का बोल रहा है कि अपने टेस्टिंग कर लो इवेंट्स को, क्योंकि इधर ये चेक करो नो एक्टिविटी इंटीग्रेशन शो हो रहा है, और वेबसाइट के ऊपर नो वेबसाइट फाउंड अभी शो हो रहा है। अभी मैं क्या कहता हूँ, नीचे इधर से स्क्रॉल करता हूँ और गो टू टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा टेस्ट इवेंट करने से पहले आप लोगों ने इधर सेटिंग में आना है, सेटिंग में आके आप लोगों ने एक छोटी सी सेटिंग कर लेनी है, मैं इधर से स्किप कर गया था, मेरे माइंड में नहीं रहा। आप लोग इधर से नीचे आओ, इधर से आपने स्क्रॉल करके नीचे आना है, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक वेबसाइट मैचिंग का, आप लोगों ने इसको ऑन कर लेना है, और अगर आपका ये ऑन होगा तो आप इसको एज इट इज ही रहने दो, अगर ऑफ है तो इसको ऑन लाजमी कर लेना। उसके बाद इधर आएगा ट्रैक इवेंट ऑटोमेटिकली विदाउट कोड, इसको भी आप लोगों ने लाजमी से ऑन कर लेना है। ये दो सेटिंग्स हम लोगों ने कर ली हैं। उसके बाद अब चलते हैं टेस्ट इवेंट के ऊपर। टेस्ट इवेंट में आने के बाद इधर कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेट अप करेक्टली, इसके ऊपर क्लिक करो, इधर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, दोबारा से मैं पेश करता हूँ, और ओपन वेबसाइट के ऊपर अब क्लिक करके अपने इवेंट्स को एक बार दोबारा से ट्रैक कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, इसको दोबारा से हम एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं, इधर से मैं कोई भी रैंडम पेज खोल लेता हूँ दोबारा से, और इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ी सी ना इस तरीके से स्क्रोलिंग कर लेनी है, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि इवेंट्स ट्रैक हो रहे हैं अच्छे से या नहीं हो रहे। अच्छा इसको आप लोग एक चीज से और वेरीफाई कर सकते हो, ऊपर आप लोग देखो मैंने एक एक्सटेंशन इधर ऐड की हुई है मेटा पिक्सल हेल्पर के नाम से, अभी मैं आपको इधर शो भी करवाता हूँ, ये एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर की, ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना, इससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपका पिक्सल जो है वो सही से बना है, सही से एक्टिविटी ट्रैक कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, मैं अपनी वेबसाइट पे इधर दोबारा जाता हूँ, ये मेरी वेबसाइट थी, ऊपर ये मैंने एक्सटेंशन इधर डाली हुई है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें मेरा मेटा पिक्सल दिखा रहा है कि ओके है। इसके बाद नीचे इसने पेज व्यू भी दिखाया है, इसने इवेंट ट्रैक कर लिया है पेज व्यू का। आप इसकी आईडी भी मैच कर सकते हो, इसकी आईडी पे लास्ट पे आ रहा है 591, तो मैं इसको मैं दोबारा से आपको मैच करके भी दिखा देता हूँ। इधर चेक करते हैं हम, ऊपर चलते हैं इधर से, ये चेक करें 591 लास्ट पे आ रहा है, ये मेरी आईडी इधर शो रही है। सो इस तरीके से आप लोग नीचे भी अगर स्क्रॉल करो तो रिसीविंग एक्टिविटी शो होनी स्टार्ट हो गई है, पेज व्यू मैंने किया है, ये चेक करें नीचे इसने शो करवा दिया, मतलब कहने का कि हमारी जो पिक्सल है वो अच्छे से अटैच हो गया है, उसने इवेंट्स भी अच्छे से ट्रैक करने शुरू कर दिए हैं। सो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो इवेंट्स मैनेजर ओवरव्यू में आपको लेकर आया हूँ, और इधर आप लोग चेक करो मीट उसामा, और नीचे हमारी ये आईडी भी वही है सेम 591 जिसके लास्ट पे आ रहा है, ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। अच्छा इधर से अगर मैं आपको डाटा सोर्सेज में लेकर आऊं, और इधर मैं आपको नीचे शो भी करवा देता हूं, और इधर आप लोग नीचे देखो भी इवेंट्स में हमारे जो इवेंट्स है वो ट्रैक हो रहे हैं, तो हमारा जो है पिक्सल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अच्छा इधर से वापस आते हैं, पिक्सल हमारा डाटा सेट जिसको हम बोल रहे थे ये क्रिएट हो गया है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने इधर ऊपर देखो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना इंस्टाग्राम लिंक कर लेना है इधर से। उसके बाद व्हाट्सअप अकाउंट पर क्लिक करके अगर व्हाट्सअप भी करना चाह रहे हो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अच्छा ये दोनों आप लोगों ने कनेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है, इधर कुछ भी नहीं है। और अच्छा बिलिंग एंड पेमेंट्स के इधर ये सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपना जो भी कार्ड क्रेडिट डेबिट अपना कनेक्ट कर लेना है, जिसके थ्रू आप फेसबुक को पेमेंट करोगे। तो इधर आप लोग इसको मैं अगर वॉच वीडियो टेक टू और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ,
इधर आप लोग क्या करोगे, इधर देखो मेरा भी कोई भी नो पेमेंट मेथड कनेक्टेड है, आप इधर ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करोगे सिंपल से। नेक्स्ट ये विंडो आएगी, इधर से आप अपनी कंट्री करेंसी टाइम जोन सेट करना है और उसके बाद सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपसे ये कार्ड की डिटेल आपकी मांगेगा इस तरीके से, आपको ये चेक करें पूछ रहा है। तो आप लोग ने जैसे डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट करके आई हैव एन एडिट क्रेडिट क्लेम, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। और इधर से आपने अपने कार्ड का नेम नंबर और एक्सपायरी सीवीवी देकर इसको सेव कर लेना और ये इधर ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब भी आप ऐड रन करोगे आपने अपने कार्ड में पैसे रखने हैं, ये फेसबुक उधर से पैसे काट ही जाएगा और आपकी ऐड जो है वो चलती रहेगी। ये तरीका हो गया, ये सारी चीजें सेटिंग आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद अब मेन चीज पे आते हैं अपने ऐड अकाउंट की तरफ। ऊपर आप इधर स्क्रॉल करोगे तो इधर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट का, आपने इधर क्लिक करके अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बहुत सिंपल चीज है, इधर ऐड के ऊपर क्लिक करोगे, क्रिएट पे क्लिक करना, आपका ऐड अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अच्छा इधर मैं एक टिप ऐड करता चलूं, जब आप लोग अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे ना आपसे ये तीन चीजें पूछेंगे। पहले नंबर पे ऐड अकाउंट का नाम, फिर टाइम जोन और करेंसी। आप लोगों ने नाम जो रखना है वो अपने हिसाब से रख लेना। टाइम जोन और करेंसी आप लोगों ने उस कंट्री की सिलेक्ट करनी है जिसमें आप लोग मार्केटिंग करना चाह रहे हो। लेट से आप यूके में अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे हो तो आपने यूके के हिसाब से अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर कनाडा के हिसाब से करना चाह रहे हो तो कनाडा के हिसाब से कर लेना। तो जिस भी कंट्री में मार्केटिंग करनी है उस हिसाब से आपने अपना ऐड अकाउंट की ना सेटिंग वगैरह कर लेनी है, टाइम जोन की और करेंसी की। उसके बाद आपने नेक्स्ट करके अपना अकाउंट जो है वो सेटअप कर लेना है। अब मैंने ऑलरेडी मीटू सामा के नाम से इधर बना लिया हुआ है। आप इधर क्या करोगे, ओपन इन एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो एड्स मैनेजर इस तरीके से खुल जाएगा। अब इधर आप लोगों ने अपनी कैंपेन रन करनी होती है, आप इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हो सिंपल से। और सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आप अपनी चूज करो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। तो इधर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अवेयरनेस के लिए चला रहे हो, ट्रैफिक के लिए चला रहे हो, एंगेजमेंट चाहिए, लीड जनरेट करनी है, ऐप प्रमोशन करनी है, सेल्स चाहिए, तो साइड पे आपको सारा का सारा इधर वो डिटेल भी दिखा रहा है। तो आप इधर से, मैं तो अभी सेल कैंपेन ही चलाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी हम कैंपेन रन करना सीख रहे हैं। इधर से पहले नंबर पे आता है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, आप इसको भी रन कर सकते हो। अगर आप इसको चूज करते हो तो फेसबुक अपने हिसाब से जो है टारगेटिंग वगैरह सारी चीजें देख लेगा, अदरवाइज आप मैनुअल कैंपेन सेटअप के साथ ही जाओ, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। इधर से आपने इधर कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इधर आप लोग देखो लेफ्ट साइड पे न्यू सेल्स कैंपेन है, दूसरा सेल्स एड सेट है और तीसरा सेल्स एड है। अब एड सेट लेवल पे आप अपनी टारगेटिंग करते हो, किसको दिखानी है किसको नहीं दिखानी, क्या एज रहेगी, क्या जेंडर रहेगा, क्या डेमोग्राफिक्स रहेंगे, सारी चीजें इधर आप लोग सेट करते हो। और थर्ड नंबर पे एड लेवल पे आके अपनी आप एड दिखाते हो, कौन सा क्रिएटिव आपने चलाना है, वीडियो एड दिखानी है, पिक्चर एड चलानी है या कैरोसेल एड चलानी है। फेसबुक पे आपको इस टाइप की एड्स देखने को मिलती हैं, आगे जुड़कर मैं आपको डिटेल से दिखाने वाला हूँ। अच्छा पहले नंबर पे कैंपेन लेवल आया, कैंपेन पे वो नाम पूछा है क्या आपने नाम रखना है। हम सिंपल इधर टेस्टिंग लिख देते हैं, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा नेम पुट करने के बाद आप लोगों ने नीचे स्क्रॉल करना है, इधर से आप लोगों ने कैंपेन डिटेल में बाइंग टाइप जो है ऑप्शन ही रखनी है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेक श्योर करो सेल्स ही रहे अगर आप सेल की कैंपेन चला रहे हो। उसके बाद आप लोगों को ए बी टेस्टिंग देखने को मिलती है, ये एडवांस फीचर है, आप लोग इसको नेक्स्ट फ्यूचर में आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे करना है, अभी के लिए हम नहीं यूज कर रहे। उसके बाद आता है एडवांटेज कैंपेन बजट, इसको आप लोग अगर ऑन करोगे तो आप लोग इधर अपनी कैंपेन का जो बजट है वो डिफाइन कर सकते हो, आपने कितनी कैंपेन चलानी है, डेली बजट रखना है, लाइफ टाइम बजट रखना है। अभी के लिए मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा कि आपने ये कैसे सेटअप करना होता है। अच्छा उसके बाद नीचे आप लोग इसको सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। अच्छा इसको हम सीबीओ कैंपेन भी कहते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग पे बजट दे दोगे, आगे चलकर आप अपने हिसाब से उसको डिफरेंट जितने भी एडसेट बनाओगे, कापियां बनाओगे, उसको मतलब के उनमें डिवाइड कर सकते हो, जो कि मैं पीछे टिकटॉक में आपको बता चुका हूँ। अच्छा एडसेट दूसरे लेवल पे हम आ चुके हैं, इधर भी आप लोगों ने नाम देना है, कुछ भी आप लोग रख सकते हो, मैं टेस्टिंग ही दूंगा। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल्स, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, आपको क्या चीज चाहिए। तो मुझे इधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए क्योंकि मुझे सेल लेकर आनी है, जाहिर सी बात है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट्स में आप लोगों ने इधर से परचेज ही रखना है, मेक श्योर करना है परचेज ही रहे, अगर परचेज नहीं है तो आप लोग इधर से सेट कर लो। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, आप लोग इधर से बिड डिफाइन कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप स्टार्टिंग पे इसके साथ जाओ। उसके बाद अगर आप बिड रखना चाह रहे हो तो रख सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को बजट एंड स्केड्यूल पूछेगा, आपने बजट कितना रखना है, आप लोगों ने अपना डेली बजट जितना भी रखना है रख सकते हो। अब काफी ज्यादा लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई बजट कितना होना चाहिए, तो बजट डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोडक्ट चला रहे हो, आपकी प्रोडक्ट डिफाइन करती है कि आपका बजट कितना होना चाहिए। अब मान के चलो आपकी प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो 10,000, 20,000 या 50,000 की है, तो देन आप अपना बजट भी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से दोगे।
अब मान के चलो आपके प्रोडक्ट की जो वर्थ है वो 1000-2000 रुपए की है, तो देन आप उसका बजट भी उसी हिसाब से दोगे। तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की वर्थ के ऊपर, तो ये चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। अच्छा, इधर मुझे काफी ज्यादा क्वेरीज ये भी आती हैं, अभी मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। अगर इधर मैं बजट देता हूँ 500 रुपया, लेट से इधर मैं 500 बजट देता हूँ, मैंने 500 बजट इधर सेलेक्ट किया है, और इधर मुझे ये शो करवाया ऑडियंस डेफिनेशन जो है वो आपकी फेयर ब्रॉड है। और इस वजह से अगर मैं नीचे आपको स्क्रॉल करके भी दिखाऊं मुझे क्या कह रहा है, 500 के बजट में आपको 3 से 11 कन्वर्जन आ सकती हैं, मतलब आपके इतने ऑर्डर्स आ सकते हैं। ये एक एस्टिमेट रफ आइडिया होता है, आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं जाना कि ये 100% आपको इतनी सेल्स आएंगी आएंगी, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा क्वायरीज आती हैं कि भाई मेरे पास नीचे वो एस्टिमेट दिखा रहा है कि आपको सेल नहीं आएगी। तो वो काफी ज्यादा इस वजह से भी होता है कि आपने बजट जो है वो बहुत लो रखा होता है। आप अपने बजट को है वो थोड़ा सा ज्यादा अगर करोगे तो आपको वो क्या करेगा, ज्यादा कन्वर्जन दिखानी स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी मैंने 10,000 रखा है, इसको अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये क्या कर रहा है, 75 से 218 जो इवेंट्स है मतलब कन्वर्जन जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ये रफ एस्टिमेट होता है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से जो बजट जो भी है मैं आपको बता दिया, अपनी प्रोडक्ट की वर्थ के हिसाब से लेके चलो। स्केड्यूल आप लोगों ने करनी है कर लो, किस डेट से किस टाइम तक आप लोगों ने एड चलानी है, मैं इसको अभी नहीं सेटअप कर रहा। अच्छा, उसके बाद नीचे आता है ऑडियंस कंट्रोल। ऑडियंस कंट्रोल में आप लोग अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कि लोकेशन है, लोकेशन इधर से आप एडिट कर सकते हो। आपने पूरे पाकिस्तान में दिखानी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं चाह रहा हूं मैं पाकिस्तान में पूरे में नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इधर से क्रॉस करता हूँ और इधर मैं सर्च लोकेशन पे आके मैं सबसे लिखता हूँ पहले फैसलाबाद, और फैसलाबाद इधर से पंजाब पाकिस्तान को मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप लोग एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने एरिया में दिखानी है, तो मैं इधर से एरिया थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसको कि 17 किलोमीटर के एरिया एरिया में फैसलाबाद के सिर्फ एड मेरी दिखाए। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जिधर जिधर भी अपनी एड दिखानी है, जैसे कि लाहौर मैं लिख देता हूँ, और इसके अलावा इधर से मैं लाहौर पंजाब को सिलेक्ट करूंगा, और इसका भी एरिया आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि कितने एरिया में दिखानी है, तो इसका भी एरिया मैं कम कर देता हूँ। आप लोगों ने अपने एरिया अपने हिसाब से सेट कर लेना कि किस एरिया को टारगेट करके अपनी एड चलाना चाह रहे हो। अच्छा, फेसबुक कोई जादू नहीं है कि आप एड चलाओगे आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको अच्छे से अपनी ऑडियंस को टारगेट करना पड़ता है, डेमोग्राफिक सारी चीजें आप अच्छे से जब टारगेट करोगे तभी आपको सेल्स देखने को मिलेंगी। अदरवाइज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एड चला दी मुंह उठा के जैसे दिल किया और आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। अच्छा, इधर इंक्लूड का तो आपको समझ लग गया कि जिधर जिधर एड दिखानी है, उसके बाद इधर ड्रॉप डाउन करोगे एक ऑप्शन आपको मिलता है एड एक्सक्लूजन, जिधर आपने अपनी एड नहीं दिखानी। लेट से कि इधर मैं लिखता हूँ जम्मू कश्मीर, ये आ गया जम्मू आजाद कश्मीर पाकिस्तान, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो इधर मेरी ये चेक ने क्रॉस लग गया है कि इधर आपकी एड नहीं शो होगी। तो आप लोग उन एरियाज को जो है वो निकाल सकते हो जिधर आप अपनी एड नहीं दिखाना चाह रहे, तो ये तरीका कार है। उसके बाद नीचे आप शो मोर ऑप्शन के ऊपर अगर आओगे तो इधर आप अपनी एज सेलेक्ट कर सकते हो कि किस एज को आपने दिखानी है, इधर एडिट पे क्लिक करो अपनी एज सेलेक्ट कर लो। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोग स्क्रॉल करोगे, इधर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एडवांटेज ऑडियंस का, आप लोग इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, जो कि पुराना तरीकाकार है, मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। इसको मैं यूज ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि यार ये चल क्या रहा है। अच्छा, अभी आपको मैंने जैसे स्विच किया है लोकेशन के फौरन नीचे बाद आप लोग देखो एज भी आ गई है, किस एज से एज तक करना है, पहले इस तरीके से इंटरफेस नहीं आ रहा था। अभी आप लोग ये ओल्ड इंटरफेस है, आप लोग इधर सेलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगा आप 18+ ही रखो। उसके बाद इधर से अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से एज डिफाइन कर लो, 50 तक रखनी है या 45 तक रखनी है, आप लोग सेट करो। इधर से आपको जेंडर का ऑप्शन भी अब देखने को मिल रहा है जो कि पहले नहीं देखने को मिल रहा था, आप लोग इधर से सेट करो मेंस के लिए है वुमेन्स के लिए है, और इधर से मैं कर लेता हूँ ऑल पे सेलेक्ट। उसके बाद नीचे सेलेक्ट करते हैं, आपको इधर ये पूछा है एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग भी आप कर सकते हो। अब डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, अगर इधर मैं आपको नीचे सजेशन भी आपको देगा कुछ ना कुछ अगर आप कीवर्ड डालोगे, जैसे लेट से कि इधर मैं कुछ भी अपना कीवर्ड एक डालता हूँ वाटर बॉटल का, अब वाटर बॉटल मैंने लिखा है, अगर इसको मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इधर नीचे ये आपको सजेशन भी देगा कि वाटर बॉटल से रिलेटेड कौन कौन से आप लोग इंटरेस्ट को टारगेट कर सकते हो। अच्छा, ये डिटेल टारगेटिंग में आप इंटरेस्ट को टारगेट करते हो, आपको मैं रिकमेंड करूंगा आपने कैंपेन जो है ना वो लहदा लहदा बनानी है, डिफरेंट कापियां बना लेनी है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने कापियां बनानी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने किस इंटरेस्ट को टारगेट किया था, किससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब इधर ड्रिंकिंग वाटर है, उसके अलावा आप लोग इधर बोटल्ड या वाटर क्वालिटी है, मिनरल वाटर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप डिफरेंट इंटरेस्ट इस तरीके से ना टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आप एडिशनल इंटरेस्ट को भी टारगेट कर सकते हो, जैसे कि इधर मैं एडिशनल पे आऊंगा और इधर आप लोग देखो बिजनेस इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट फैमिली ये वो ये सारे शो रहे हैं, इसको अगर मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद आपने आना है डिफाइन फर्दर के ऊपर, डिफाइन फर्दर में आप लोग इधर नीचे सेलेक्ट करो, आप लोग इधर और सेलेक्ट कर सकते हो इंटरेस्ट को, और नैरो टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ इंगेज शॉपर,
आप लोग जैसे इंगेज शॉपर पे क्लिक करो कि मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जो कि शॉपिंग में इंगेजमेंट रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस तरीके से आप लोग परचेज का बिहेवियर अपना सेलेक्ट कर सकते हो, इससे आप लोगों की सेल जो है वो काफी ज्यादा बूस्ट होने वाली है। उसके बाद लैंग्वेजेज आती है, लैंग्वेज आप इसको ऑल पे ही रखो। उसके बाद एक्सक्लूजन है, आप लोग नो एक्सक्लूजन, आप अगर किसी को एक्सक्लूड करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अभी के लिए मैंने नो रखा है। उसके बाद आप प्लेसमेंट्स आती है, इसको आप एडवांटेज पे ही रखो। अच्छा, एडवांटेज का मतलब ये है कि आप फेसबुक को है अपने हिसाब से जिधर जिधर उसको लगेगा ना ये एड दिखानी चाहिए, जिधर से आपको ज्यादा सेल आ सकती है ये उधर आपको दिखाएगा, अदरवाइज इसको मैं शो मोर ऑप्शन पे जाके आपको दिखा भी देता हूँ अगर आप एडवांटेज नहीं रखना चाह रहे। इसको मैं अगर एडिट पे क्लिक करता हूँ, इधर इधर आ रहा है मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन। मैनुअल पे आप अपनी मर्जी से दिखा सकते हो कि मैंने किधर किधर ऐड दिखानी है। लेट्स से कि इधर फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क है, तो मैं मैसेंजर पे नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इसको हाइड कर दूंगा। मैं ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना चाह रहा, मैं इसको हाइड कर दूंगा। उसके बाद फीड पे दिखानी है, रील्स पे दिखानी है, इंस्ट्रीम पे दिखानी है, उसके अलावा मैसेजेस पे दिखानी है, जिधर जिधर आपने अपनी ऐड दिखानी है आप अपने हिसाब से इधर से सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी अब मर्जी है, क्योंकि आपने इधर से क्या किया है मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, मैनुअल पे आपको एक मैं टिप देता चलता हूँ, अगर आपका बजट स्टार्टिंग पे लो है तो देन आप कोशिश करो कि इंस्टाग्राम रील्स और उसके अलावा स्टोरीज और फेसबुक रील्स, तो इधर आप लोग अपनी एड दिखाओ, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब शो मोर ऑप्शंस में आप लोग आओगे तो नीचे इधर आप लोगों को ये देखें डिवाइसेस शो करवा रहा है, वाईफाई है, तो आप लोग इनको स्किप मार सकते हो, इसका इतना ज्यादा डिटेल में टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इसको आप लोगों ने नेक्स्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट करोगे आप लास्ट स्टेप पे आ गए हो अपने एड लेवल पे। अब इधर एड लेवल पे आप लोग पहले नाम देते हो, आप लोग कुछ भी नाम दे दो, मैंने टेस्टिंग दे दिया है। उसके बाद आप लोग ने अपना फेसबुक पेज इधर से सिलेक्ट करना है, हमने अपना फेसबुक पेज जो मीट उसामा है वो सिलेक्ट कर लिया है, और आप लोगों ने भी अपना जो बनाया होगा वो इधर शो हो जाएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने का बोल रहा है, तो अभी के लिए मैंने नहीं किया हुआ, मैंने आपको पीछे बोला था आप लोग कर लेना, इधर आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके इधर से भी कर सकते हो, तो ये जरूरी है, ये लाजमी कर लेना। उसके बाद एड्स सेटअप पूछ रहा है कि आपने सिंगल इमेज और वीडियो एड चलानी है, कैरोसेल एड चलानी है या कलेक्शन एड चलानी है, तो हम लोग इधर से सिंगल इमेज और वीडियो एड सेलेक्ट करेंगे और आप लोग अपने हिसाब से जो दिल करता है आप चला सकते हो। उसके बाद नीचे प्राइमरी टेक्स्ट आएगा, आप लोगों ने इधर से जो भी प्राइमरी टेक्स्ट देना है, जैसे कि इधर मैं मान के चलता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट में लिख देता हूँ up to 50% off, या आप लोग कोई भी डील चली है कुछ भी आपका है तो आप लोग इधर लिख सकते हो। उसके बाद हेडलाइन है, हेडलाइन में आप लोगों ने जो भी देना है आप लोग इधर अपनी हेडलाइन दो। उसके बाद नीचे कॉल टू एक्शन बटन आता है, कॉल टू एक्शन बटन में आपने शॉप नाउ, बाय नाउ, लर्न मोर, जो भी आप रखना चाह रहे हो रख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप शॉप नाउ ही रखो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, इस तरह से आप लोगों ने कोई चीज नहीं छेड़नी, इधर आपको एक वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा, इधर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है या उस अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल देना है जिधर आप लोग आपकी प्रोडक्ट आपने लगाई, अपनी प्रोडक्ट का आप लोगों ने लिंक देना है जिधर आप अपने कस्टमर को लेके जाना चाह रहे हो, तो इधर से वो आप लोगों ने लिंक पेश करना है। लिंक पेश करने के बाद इधर से कोई सेटिंग नहीं छेड़ने वाली। अच्छा, एड लेवल पे आप लोगों ने सारी सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इसकी कॉपियां बना लेनी है, या आप ऊपर ये जो हमारा एड ग्रुप लेवल है ना इसके आप लोगों ने 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है और इसको आप लोगों ने क्या करना है डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे आपसे ये नंबर ऑफ कॉपीज पूछेगा, आपने कितनी कॉपियां बनानी है, आप लोगों ने जैसे सेट कर लेनी है, एक बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है, आप लोग इधर से सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि 3 बनानी है, इसको आप लोग डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो है वो डुप्लीकेट होकर 3 कॉपियां बन जाएंगी। अब आप लोग ने क्या करना है, पहली जो कॉपी थी हमारी इधर इसमें हम लोगों ने टेस्टिंग की थी, अगर मैं आपको दिखाऊं भी वाटर बॉटल की, इसमें हम लोगों ने 2-3 डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट किया था। उसके बाद टेस्टिंग दूसरी कॉपी जो है उसमें आप लोगों ने दूसरे इंटरेस्ट को टारगेट कर लेना है। उसके बाद ये जो तीसरी कॉपी है इसमें एक और इंटरेस्ट को आपने टारगेट कर लेना है, इसमें आप लोगों ने डिफरेंट इंटरेस्ट को, डिफरेंट एज ग्रुप को टारगेट कर लेना है। इससे आप लोगों को फायदा ये होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी कैंपेन जो है, कौन सा एड ग्रुप लेवल जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आप लोग इधर से जो है लास्ट पे ये जो है अपना एड लेवल, इस पे आप लोग अपने क्रिएटिव को जो है डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके टेस्टिंग कर सकते हो। अभी के लिए मैंने कोई भी क्रिएटिव इधर अप्लाई नहीं किया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव जो है वो उनकी भी टेस्टिंग कर लेनी है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कौन सा कैंपेन लेवल जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसको फिर नेक्स्ट आगे चलकर स्केल भी कर सकते हो। सो ये तरीकाकार था अपनी एड को रन करने का, होप करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि भाई एड रन कैसे करते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।